यस सर, यहाँ पे अगले मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। फील्डिंग के ऊपर इस बीच एस्केलाइन पहुंच चुके, टॉस जीता था और बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया था इस बीच जैगवार इलेवन को। जैगवार इलेवन के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज विकेट के ऊपर पहुंच चुके हैं और दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर नन ठक्कर तैयार। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला ओवर करेगा नंद। बेटा इधर आ जाना भाई, मेरे को ना। बहुत ही बेहतरीन देख के हुक किया और गेंद चली गई सीधी इस बीच फाइनल की दिशा में। बहुत बेहतरीन तरीके से चौका बटोरा। आगा सच्चा तो अंजाम अच्छा, उस प्रकार से नेविल कार्डर सर बताते हैं, आगा सच्चा करोगे तो अंजाम अच्छा आएगा। अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो एक अच्छी डिग्री आपको मिल पाएगी, उसी प्रकार से आगाज अच्छा हुआ। अब नन ठक्कर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से और स्ट्राइक के ऊपर
अंपायर का जो भी फैसला है उसको मान के आगे बढ़ना पड़ेगा। व्हाइट बॉल दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। विकेट कीपर के ऊपर गेंद को गिदर किया गया, एक अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर एक रन की बढ़ोतरी जरूर होगी। और देखिए इस बीच कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए गए लॉन्ग लेग के ऊपर लालू ने, इस बीच 6 रन के लिए फुल टॉस गेंद थी जिसके ऊपर सही नसीहत और गेंद सीधी बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और वहां पे नो गेंद का भी कॉल है। अब 7 रन काउंट किए जाएंगे। इस बीच नो गेंद थी और वहां पे 6 रन के लिए गेंद चली गई थी, मतलब टोटल रन 7 काउंट किए जाएंगे। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर अल्पेश को बुलाया था, अब नो गेंद के रूप में वहां पे गेंदबाज के ऊपर रोक जरूर लगाया जाएगा। सत्रह रन आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट है, बहुत अच्छा शॉट अपर कट और स्पेक्टाकुलर। इस बीच लालू पटेल बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या शॉट खेला और गेंद 6 रन के लिए कवर के ऊपर से। इस प्रकार देखा जाए तो अपराइट पोजीशन में एक अच्छा शॉट जरूर देखने को मिला। शॉर्ट पिच गेंद थी ऑफ स्टंप के ऊपर जिसको अपराइट पोजीशन में कवर के ऊपर से 6 रन के लिए लालू पटेल बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा शॉट हमें देखने को मिला। पंच कर दिया इस बीच कवर के ऊपर, कैच ड्रॉप हुआ बहुत ही बेहतरीन। इस बीच देखा जाए तो ये मोमेंट देखने लायक। इस बीच यूट्यूब के ऊपर आप जाइए और देखिए tenniskick.in के ऊपर कैमरामैन दीपेश और आदित्य का वर्क देखिए। इस बीच बहुत बेहतरीन तरीके से शॉट खेला गया और वहां पे कैच भी ड्रॉप हुआ। अच्छा शॉट देखिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर, गेंद सीधी बाउंड लाइन के बाहर दर्शक दीर्घा में, वहां कैच तो हुआ लेकिन दर्शक ने किया तो 6 रन के लिए बाउंड लाइन के बाहर। लालू पटेल बहुत अच्छी बल्लेबाजी, 8 गेंदों के ऊपर 26 रन, 3 सिक्सर, 2 चौके और 325 का स्ट्राइक रेट। लालू एक बेहतरीन शॉट हमें देखने को मिला था। एक ओवर खत्म हुआ, 29 रन बने जैगवार 11। और देखिए देखने लायक नजारा, एक ओवर पावर प्ले का पहला जिसमें तीन तीन गेंदबाज को शामिल किया गया, नंद, अल्पेश और सुनील मांगरोड़े। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। वैसे मेरी कॉमेडी लाइफ में मैं भी पहली बार इंसिडेंट देख रहा हूं कि यहां पे एक ओवर में तीन गेंदबाज आ गए, क्योंकि इसमें क्या है क्रिकेट ये रूल्स के साथ ये आयोजन किया गया है, ये एक्शन थ्रो चलेगा नहीं, उस प्रकार का माहौल है। यहां मुंबई से क्वालिफाई एम्पायर चई पवार सर, हैदर शेख सर और शाहिद मोमिन सर को शामिल किया जा रहा है
और क्रिक हीरोज के स्कोरर कमलेश नायक और यूट्यूब के स्कोरर दीपक खांडे बहुत बेहतरीन तरीके से। इस बीच प्रशांत पवार अपना ऑपरेटिंग के साथ एक बेहतरीन काम हमें देखने को मिल रहा है। इस बीच पिंटू आहिर मतलब हितेश आहिर गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का, हितेश आहिर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बहनान एंड की ओर से शामिल किया है। अच्छा शॉट और गेंद सीधी बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। हिनल गरासिया सिक्सर के साथ अकाउंट ओपन किया। ऑफ स्टंप के ऊपर इस बीच गेंद को डाला था। इस बीच बहुत ही बेहतरीन तरीके से पीछे विकेट कीपर के ऊपर गेदर किया गया। देखिए ये गेंद बहुत ही बेहतरीन पिंटू की कही जाएगी क्योंकि बॉडी से थोड़ा दूर रखने का प्रयास किया, रूम नहीं दिया गया, उस प्रकार का गेंद थी इस बीच और विकेट कीपर ने बहुत अच्छा गेदर किया था। देखिए गेंद के ऊपर गए उसके बाद कवर की दिशा में खेला लेकिन वहां पे लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर नन ने जब तक फील्ड किया एक रन लेने का पर्याप्त समय था। सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी हुई स्कोर कार्ड के ऊपर और एक सिंगल के साथ 36 रन विदाउट लॉस जैगवार 11। यहां पे पावर प्ले का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। बीजी ओवर चलती है 36 रन थया।
पवन भाई यादव जी उपस्थित हुए तो प्लीज आपका वीआईपी डेस्क के ऊपर स्वागत है। हमारे कमेटी मेंबर्स आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो प्लीज आइए और टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाइए। आप अपना कीमती और पवित्र समय देके आए हैं टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए, तो आपका हार्दिक स्वागत है।
77
91 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। लालू की बहुत अच्छी पारी हमें देखने को मिली, जिन्होंने बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, अपनी टीम के लिए 72 रन बनाए। आज के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके लालू पटेल, जिसमें 9 सिक्सर, 4 चौके और 22 गेंद का सामना किया था, और एक बहुत ही बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई। जैसी अपील हुई खुद अपने आप को यहाँ पे आउट ऐसा करके चले गए। एक अच्छा निकदिल इंसान है लालू पटेल की बात की जाए तो। इस बीच 91 रन है 5 ओवर की समाप्ति के बाद, अभी भी 3 ओवर का खेल बाकी है और गेंदबाजी के ऊपर इस बीच तैयार है। यहां से बानान एंड की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर फाहिम सोनी, अच्छा शॉट देखिए। इस बीच घूम के खेला, स्क्वायर लेग के ऊपर बहुत दूर गई है और ऊपर भी देखे जाएगी आधा दर्जन रन, उस प्रकार का शॉट। और 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 97 लॉस ऑफ द 2 विकेट, 6th ओवर इन प्रोग्रेस। भाई गेंद दी जाए, रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो। इस बीच बहुत ही बेहतरीन फाहिम सोनी ने पिछले मुकाबले में अर्धशतक जरूर जोड़ा था, आज के अर्धशतक लगाने वाले लालू एक और बल्लेबाज बन चुके हैं। बहुत सारे अर्धशतक आज जोड़े गए यहाँ पे, जयदीप बारसोल, धर्म राठौड़, फाहिम सोनी और उसके बाद मंथन भट्ट और उसके बाद लालू पटेल। आज सवेरे से देखा जाए तो अर्धशतक की बोलबाला हो चुकी है धर्मपुर जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। अब अर्धशतक तो बनेंगे क्योंकि 70-70 की गेंद है जिसका स्लोगन है लगा तो सिक्सर। फिर से गेंदबाज से तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर काना ठाकुर, बहुत अच्छी गेंद देखिए। इस बीच छड़ वाली गेंद करने का प्रयास किया था, अपील जरूर की गई एलबीडब्ल्यू के लिए, लेकिन ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद जा रही थी तो नकारा गया। वहां से एक डॉट गेंद के साथ अच्छी शुरुआत, अच्छी वापसी। इस बीच काना ठाकुर बानान एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया था, जिन्होंने अच्छी वापसी जरूर करवाई। अच्छी गेंद सीधे विकेटकीपर के पास, इस बीच फिर से हल्की सी अपील, वहां पे रेहान है विकेटकीपर के रूप में। एक अच्छा गैदरिंग हमें देखने को मिल रहा है। इस बीच टप्पा खाने के बाद अच्छा विकेटकीपिंग, विकेटकीपर के पीछे ओवर नंबर 6 प्रगति के ऊपर 97 रन बने। जैगवार 11 वर्सेस एसके लायन के बीच में मुकाबला, पुल का प्रयास था लेकिन अंदरूनी किनारा स्क्वायर लेग डीप मिडविकेट के बीच में गेंद गई, जब तक थ्रो किया जाए। विकेटकीपर एंड के ऊपर वहां से एक रन पूरा कर चुके थे और एक सिंगल के साथ 98 रन 98 दो विकेट के नुकसान के बाद। अच्छा शॉट, इस बीच वहां पे गेंद ट्रैवल करती हुई लॉन्ग ऑन के दिशा में 6 रन के लिए, बहुत ही बेहतरीन हनबंत मार के सरपंच श्री विजय भाई की ओर से हैट्रिक सिक्सर लगाने वाले या जैगवार 11 के कोई भी बल्लेबाज को ₹500 का कैश पुरस्कार दिया जाएगा।
फिलहाल ग्राउंड के ऊपर उपस्थित है। तो हनुमान मार्ग के प्रथम नागरिक सरपंच श्री का विजय भाई का स्वागत है। अब 104 रन मतलब तीन डिजिट में स्कोर पहुंच चुका है। अब दो विकेट के नुकसान के बाद अव्वल नंबर छठा प्रगति के ऊपर। अरिवासी पे खेलने का प्रयास किया लेकिन वहां पे संपर्क हुआ नहीं और डॉट गेंद पीछे गेंद को जब तक रोका जाए। 104 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर अव्वल नंबर छठा प्रगति के ऊपर। छह ओवर की समाप्ति हुई स्कोर कार्ड के ऊपर। 104 रन बने दो विकेट के नुकसान के बाद। यहाँ पे एसके लायन और जैगवार के बीच में मुकाबला टॉस जीता था एसके लायन ने और पहले फील्ड करने का फैसला किया था और बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया था इस बीच जैगवार 11 को। 17.5 का इस बीच करन रन रेट चलता हुआ यहाँ से अनुमानित स्कोर 140 के आसपास जा सकता है जो पहले मुकाबले में आज टाकर रॉक्स के बल्लेबाज ने 140 रन जड़े थे और एक बहुत ही बेहतरीन जीत हासिल की थी। अब जैगवार 11 कितना स्कोर खड़ा कर पाती है वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल यहाँ पे श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर सुनील मांगरोड़े। पहला ओवर किया था 12 रन दिए थे कोई सफलता हासिल की नहीं थी सुनील ने। अच्छा शॉट देखिए इस बीच बेहतरीन तरीके से स्क्वायर लेग के ऊपर जंप किया लेकिन वहां पे गेंद को रोकने में कामयाब हुए। एक बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट अक्रम थे वहां पे जिन्होंने रिप्ले यहां पे थर्ड एम्पायर के लिए प्रीफर किया है। रिव्यू लिया जाएगा ये सिक्सर है या रोका गया वो चेक किया जाएगा। यह सच सिक्सर नहीं है ऐसा बताया गया हमारे थर्ड एम्पायर के रूप में। तो इस बीच बहुत बेहतरीन प्रयास किया और खास करके इस जो फील्डिंग के लिए हम सराहना करना चाहेंगे खिलाड़ी की तो है लेकिन उसके साथ आदित्य और दीपेश ने भी अपने कैमरा के ऊपर बहुत अच्छा काम किया और यहाँ पे थर्ड एम्पायर के रूप में हमारे एम्पायर को एक डिसीजन लेने में सहूलत खड़ी करवाई। एक अच्छा कैप्चरिंग tenniscrick.com.in के ऊपर जाइए और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल को हमें सब्सक्राइब बढ़ा के देने हैं। गेंदबाज सुनील मांगरोड़े तैयार फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर। 105 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर दो विकेट के नुकसान के बाद। ये सातवां ओवर प्रगति के ऊपर आज के दिन का तीसरा मुकाबला। फुल टॉस गेंद बनाकर खेलने का प्रयास किया फाइन लेग के ऊपर 30 यार्ड सर्कल के ऊपर लेकिन कैच ड्रॉप। देखिए बहुत हल्के से खिलाड़ी भी ड्रॉप हुए और कैच भी ड्रॉप हुआ। प्रयास बेहतरीन था लेकिन थोड़ा बॉडी से दूर कैच करने का प्रयास किया और वहां पे कैच ड्रॉप हुआ। जीवतदान मिला एक वहां पे एक अच्छा प्रयास लेकिन जीवतदान और साथ में एक रन और 106 रन दो विकेट के नुकसान के बाद। फाहिम सोनी स्ट्राइक के ऊपर
और गेंदबाजी के ऊपर सुनील मांगरोड़े। जमीन के सहारे इस बीच अलंग द ग्राउंड खेला स्क्वायर लेग डी बाउंड लाइन के ऊपर, जब तक फील करते थ्रो हुआ विकेट कीपर एंड के ऊपर, वहां से एक रन लेने का समय था वो पूरा किया और एक सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 107 रन दो विकेट के नुकसान के बाद जैगवार 11। अब बाइलू स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर सुनील। फुल टॉस गेंद और गवर्नमेंट की जॉब कभी छोड़नी नहीं चाहिए, वही काम किया इस बीच और गेंद मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए, ये महंगा पड़ सकता है और वहां पे 113 रन दो विकेट के नुकसान के बाद लाजवाब बल्लेबाजी। बाइलू 5 गेंदों के ऊपर 13 रन 2 सिक्सर और फाहिम सोनी 10 गेंदों के ऊपर 15 रन 1 सिक्सर 1 चौका। फिर से एक बार मिड विकेट के ऊपर से मैक्सिमम जुड़ता हुआ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत दूर गई है और वहां से मिलेंगे पूरे 6 रन और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन दो विकेट के नुकसान के बाद। सातवें ओवर की एक अच्छी शुरुआत हुई थी लेकिन उसको अंजाम अच्छा देने का प्रयास करते हुए बाइलो इस बीच 3 सिक्सर लगा चुका है, 19 रन के ऊपर पहुंच चुका है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने को मिल रही है इस बीच। फिर से एक बार देखिए 3 से बल्ले से सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर सीधा आउट ऑफ पार्क सिक्सर, 3 गेंद के ऊपर 3 सिक्सर लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं बाइलू। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां एक अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली इस बीच। विजय भाई हैड्रिक सिक्सर ना 500 रुपया, हैड्रिक सिक्सर के लिए 500 रुपया दिया जाएगा इस बीच हनुमानमाड़ के सरपंच श्री विजय भाई की ओर से। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर लगा दिए, एक अच्छी बल्लेबाजी जरूर देखने को मिली हमें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पे बाइलू ने हैट्रिक सिक्सर लगाए और 125 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 7 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी भी एक ओवर का खेल बाकी है और कम से कम 17.5 का यहां पे करंट रन रेट चलता हुआ अनुमानित स्कोर 140 प्लस जा सकता है। इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 140 रन है ठाकर रॉक्स का। अब 6 गेंद के ऊपर यहां पार कर पाते हैं या नहीं, स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद हवा में और वहां से 6 रन के लिए बेहतरीन सिक्सर और एक 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 31 रन 131। इस बीच गेंद जा रही है मिड विकेट के ऊपर से, वहां पे नन ने जंप करने के बाद गेंद को रोकने का प्रयास किया और रोका भी गया, एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस हमें जरूर देखने को मिला हनुमान मार्ग के सरपंच श्री विजय भाई की ओर से। एसके लायन या जैगवार ये दो टीम के लिए ये मैच के लिए प्राइस है हैड्रिक सिक्सर के ऊपर 500 रुपया। वैसे बाइलू ने एक बार सिक्सर हैड्रिक लगा चुका है।
व्हाइट बॉल दिया गया, वहां से एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा व्हाइट के रूप में, एक अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 134 रन बन चुके हैं। गेंद हवा में, इस बीच शॉर्ट फाइंड लेग के ऊपर पीछे खिलाड़ी और कैच ड्रॉप हुआ। हितेश थे वहां पे, लेकिन हितेश भी ऐसे कैच ड्रॉप करते हुए बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। बाहनान एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर आसिफ मेमन, अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से आठवां ओवर करने के लिए शामिल किया है आसिफ को। अच्छा शॉट देखिए, इस बीच स्क्वायर लेग मिड विकेट के बीच में से गेंद चली गई सीधी बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। बाइलू का एक अच्छा सिक्सर और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 141 रन। आज के सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर बनाने वाली टीम बन चुके हैं यहां से जैगवार 11, वैसे सेकंड हाईएस्ट अब हो चुका है ठाकर रॉक्स 140 और 141 जैगवार। फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर बल्ला जरूर चला, लेकिन संपर्क हुआ नहीं, गेंद सीधी विकेट कीपर के पास चली गई। इस बीच वहां से 8 ओवर समाप्त हुए, 141 रन बने, जीतने के लिए 142 का टारगेट है, मतलब हर ओवर में 18 रन बनाना पड़ेगा अगर मैच जीतना है तो, जो रिक्वायर्ड रन रेट है 18 का रहेगा। एक अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे जरूर देखने को मिली, खास करके लालू ने 72 रन बनाए, उसके बाद एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए फाहिम सोनी जिन्होंने 23 रन और भाईलू ने 32 रन जड़े। बैलू प्लीज आपको यहाँ आना, पहले बैलू प्लीज यहाँ आएंगे, वो हमारे सरपंच जी आ रहे हैं तो आपको 500 रुपया दिया जाएगा। तो बैलू सीधा कमेंट्री बॉक्स के पास आइए पहले, और कैमरामैन हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर रुख करेंगे आप भी। बैलू जरा आइए यहाँ पे, आपने हैट्रिक सिक्सर लगाया, सरपंच श्री विजय भाई के हस्तक से 500 रुपया दिया जाएगा आपको ये मैच के लिए हैट्रिक सिक्सर के ऊपर। यहाँ पे हनुमान मार के सरपंच श्री विजय भाई की ओर से प्राइस अनाउंसमेंट किया है, 3 सिक्सर लगाने वाले को 500 रुपया, उसमें बैलू ने 3 गेंद के ऊपर 3 सिक्सर लगाए तो उसका पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए हमारे सरपंच श्री की ओर से हैट्रिक सिक्सर लगाने वाले को यहाँ पे बैलू को 500 रुपया पुरस्कार दिया जा रहा है विजय भाई। आकिब से जहां भी हो धर्मपुर के, बहुत ही जाने माने कमेंटर के रूप में यहां पे शुरुआत
आपको करनी है तो जल्दी आइए, जहां भी है ग्राउंड के ऊपर धर्मपुर जिमखाना। ४४२ रन का टारगेट है यहाँ पे एसके लायन को ये मुकाबला जीतने के लिए। और एसके लायन के कोई भी बल्लेबाज अगर हैट्रिक सिक्सर लगाएगा तो विजय भाई डोल डोंगरी के सरपंच की ओर से ₹500 कैश पुरस्कार दिया जाएगा। हनुमान माड़ बहुत अच्छी गेंद, देखिए सीधी इस बीच विकेट कीपर के पास, एक अच्छी लेंथ और लाइन के साथ अच्छी शुरुआत हुई है यहाँ पे। भावेश यादव गेंदबाजी के ऊपर, अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का, बाहनान एंड की ओर से शुरुआत हुई है। क्रिक हीरोज के स्कोरर के रूप में यस जानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरिवासीप में खेला और गेंद जा रही है इस बीच लॉन्ग लेग की दिशा में, बहुत ही बेहतरीन सुनील मांगरोड़े, एक अच्छा शॉट और सिक्सर के साथ यहां शुरुआत हुई है। आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा आ सकता है, एक अच्छा शॉट सुनील मांगरोड़े का और ऑफ द मार्क सुनील मांगरोड़े, ऑफ द मार्क एसके लाइन विथ सिक्सर। हल्के हाथों से ड्राइव कर दिया, यहाँ देखिए फॉलो थ्रू में खुद ड्राइव करने के बाद गेंद को रोकने का प्रयास किया था, रन बनाने की चेष्टा को खारिज किया गया। डॉट गेंद के साथ एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे, स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन है एसके लायन। देखिए आगे आने के बाद फुल टॉस बनाया और ड्राइव कर दिया ऑन साइड के ऊपर, जब तक फील करते वहां से एक रन पूरा किया, सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी हुई और 7 रन विदाउट लॉस एसके लायन। अच्छा शॉट इस बीच मिड विकेट, कोई नहीं था खिलाड़ी वहां पे, डीप बाउंड लाइन के ऊपर 6 रन के लिए हितेश उर्फे पिंटो, एक अच्छा सिक्सर और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 13 रन विदाउट लॉस एसके लाइन
वैसे हितेश ने भी अपना अकाउंट सिक्सर के साथ ओपन किया और सुनील ने भी अपना अकाउंट सिक्सर के साथ ओपन किया भावेश यादव गेंदबाजी के ऊपर। वैसे देखा जाए तो भावेश ने पहले दो या तीन गेंद अच्छे किए, उसके बाद यहां से बल्लेबाज ने अपना कर्तव्य दिखाना शुरू किया। अपर कार्ड इस बीच गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में और वहां से रोका जाएगा डी बाउंड लाइन के ऊपर, बाउंड्री लाइन तक नहीं पहुंच पाई और तब तक दो रन पूरे कर चुके थे दोनों खिलाड़ी। अब दो के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन विदाउट लॉस एसके लायन। ओवर की समाप्ति, पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ, 15 रन बने विदाउट लॉस एसके लायन। एक अच्छी बल्लेबाजी, एक अच्छी शुरुआत। वैसे देखा जाए तो हर ओवर में 18.5 रन चाहिए था जिसमें से 15 आए पहले ओवर में। पावर प्ले में रन बनाने का प्रयास किया था हितेश ने और सुनील ने, 6 गेंदों के ऊपर 15 रन बनाए दोनों ने मिलके। हमारे इस टूर्नामेंट के अगर आयोजक की बात की जाए तो आसिफ भाई, सज्जाद भाई, फहद भाई बहनान, कीर्ति भाई आहिर, प्रणव भाई कोटक, सब्बीर भाई बहनान, अकरम भाई, मुसेब बासेदा, शहबाज भाई, रईस कादरी, सदाम भाई, रमेश भाई, जैकी भाई और कीर्ति भाई ने मिलकर एक अच्छा आयोजन किया, अच्छा सपोर्ट किया। खास करके कीर्ति भाई, आहिर, प्रणव भाई और फहद भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा इस टूर्नामेंट के लिए, तो उन लोग का हम जरूर बार बार आभार व्यक्त करेंगे एक अच्छा सपोर्ट के साथ। पिच क्यूरेटर के रूप में यहां से अच्छा सपोर्ट किया है रमेश भाई और सदाम भाई ने। फुल टॉस गेंद थी और मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाएगी सीधी बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। एक अच्छा सिक्सर और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 21 रन 21 विदाउट लॉस। सेकंड ओवर मैंडेटरी पावर प्ले कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। एनजी बॉयज ठाकर रॉक्स टॉस के लिए आना है, दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आएंगे कॉमेंट्री बॉक्स की ओर प्लेइंग 11 के साथ। कट करने का प्रयास किया इस बीच, वहां पे गेंद को जब तक रोका जाए बहुत ही बेहतरीन तरीके से 30 यार्ड एज के ऊपर खिलाड़ी को तैनात किया था, वहां पे गेंद को रोका भी गया और सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई 22 रन। पावर प्ले का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है, गेंदबाज फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, फाहिम सोनी, श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। अच्छा शॉट इस बीच, पिकअप शॉट मिड विकेट के ऊपर, सीधा खिलाड़ी को ढूंढ लिया इस बीच, होम डिलीवरी, अमेजॉन पार्सल, कैश ऑन डिलीवरी हुआ। आउट होने वाले खिलाड़ी बने वहां से पिंटू आहिर, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 8 रन बनाए, 3 गेंद का सामना किया और पेवरेन की ओर रुक कर चुका है। बहुत ही अच्छी कैच पीछे हमें देखने को मिली, फाहिम सोनी गेंदबाजी के ऊपर था और बायलू थे वहां पे जिन्होंने कोई गलती नहीं की। देखिए टीम के कप्तान यानी कि स्कीपर ने प्रस्थान कर लिया है नन ठक्कर के रूप में, उसके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा क्योंकि ये पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया 141 142 का पीछा करना, मतलब अपने आप में ताबड़तोब बल्लेबाजी करनी पड़ेगी तब जाके ये मुकाबला जीता जा सकता है। हर ओवर में कम से कम 20 रन बनाने पड़ेंगे यानी कि 3 बड़ी हिट लगानी पड़ेगी तब जाके ये मुकाबला जीता जा सकता है, उस प्रकार का माहौल बन चुका है। फाहिम सोनी ने सफलता जरूर दिलवाई इस बीच अपनी टीम के लिए, एक अच्छी बल्लेबाजी जरूर देखने को मिली पहले मैच में अर्धशतक, दूसरे मैच में 32 रन। ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया था इस बीच, वहां पे नकारा गया। देखिए हाइट का बॉल था इस बीच, काफी ऊपर टकराया था तो इस बीच अपील जरूर की गई लेकिन नकारा गया।
क्वालिफाई एम्पायर को शामिल किया जा रहा है वहाँ पे। हैदर शेख मेन एम्पायर की भूमिका में, स्क्वायर लेग के ऊपर जय पावर सर, हमारे साथ थर्ड एम्पायर के रूप में शाहिद मोमिन सर, बहुत अच्छी गेंद देखिए। इस बीच फ्लाइट किया था, इनवाइट किया था, वाइड करा दिया जाएगा, एक अतिरिक्त रन जरूर जोड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर, एक अतिरिक्त के साथ 23 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। फुल टॉस गेंद थी और इस बीच गेंद चली गई सीधी मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा सिक्सर जरूर देखने को मिला इस बीच हमें, और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 29 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। अच्छा शॉट इस बीच जमीन के सहारे लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई है, जब तक वहां पे फील्ड करते एक रन पूरा किया, सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी हुई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा शॉट हमें देखने को मिला। दो ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। अब दो ओवर के बाद 31 रन बड़े एक विकेट के नुकसान के बाद, और कमेंट्री बॉक्स में स्वागत होगा आकिब शेख का, वेलकम आइए। शुक्रिया द वॉइस ऑफ गुजरात राज कमेंटर सर। कैमरामैन फोकस करेंगे कमेंट्री बॉक्स की ओर। आने वाले मुकाबले के लिए टॉस होने जा रहा है ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 और एनजी बॉयज के बीच में। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा और विकेट कीपर का सहारा मिला, यहां से नन ठक्कर को जाना होगा पवेलियन की ओर। विकेट का सिलसिला चलता हुआ बीच मैदान के ऊपर, लगने वाला ये दूसरा झटका। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं कमेंटर अकीब शेख,
अभी अभी नंद आउट होकर पवेलियन की ओर गए, उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में अभय ने प्रस्थान किया है स्ट्राइक के ऊपर। गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच बहना नेट की ओर से संभाल रखी है भावेश जाधव ने, अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार। बल्ला चलाया इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर, यूज एन हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। अभय के बल्ले से लगने वाला पहला सिक्सर। स्कोर आगे बढ़ेगा 41-41 रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर। बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की गई, अगर बात की जाए तो डीप मिड विकेट के ऊपर हिनल ग्रासिया फील्डिंग कर रहे हैं बाउंड्री लाइन के ऊपर, फहीम सोनी फील्डिंग कर रहे हैं वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर लालू पटेल और फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर भी एक फील्डर को तैनात किया गया है। शॉर्ट फाइन लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर शॉर्ट थर्मैन और गली और पॉइंट के ऊपर चंद्रेश थोराट, डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर भी एक फील्डर को शामिल किया गया है कप्तान हिनल ग्रासिया की ओर से पीच मैदान के ऊपर। फिलहाल भावेश फुल टॉस गेंद डाउन द ग्राउंड जमीन के समांतर स्ट्रोक को खेला, गेंद आ रही है सीधे फील्डर तैनात है बाउंड्री लाइन के ऊपर, जब तक गेंद फील होती तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 42-42 रन क्रिक हीरोज के ऊपर। यस जानी ने इस बीच क्रिक हीरोज के ऊपर ऑनलाइन स्कोर की जिम्मेदारी संभाल रखी है कॉमेंट्री बॉक्स में। आने वाली 32 गेंदों के ऊपर चाहिए 100 रन। स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सुनील मांगरोड़े आगे निकलकर हाफ वॉली बनाकर खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया वहीं पर रह गई, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। वाइड इज यॉर्कर के ऊपर गेंद करने का प्रयास, गेंदबाज भावेश जाधव की ओर से। जेगवार 11 और एसके लायंस अपना पहला मुकाबला खेल रही है और जेगवार अपना दूसरा मुकाबला। रिवा से अटेम्प्ट करना चाहते थे इस बार, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। तीन ओवर समाप्त हुए 42-42 रन तीन ओवर की समाप्ति के बाद दो विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया इस्लामा जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, जिमखाना क्रिकेट क्लब की ओर से यूट्यूब के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है टेनिस cricket.in के जरिए। इस टूर्नामेंट का कुछ सलाह मशवरा जरूर होगा क्योंकि काफी बड़ा लक्ष्य रखा है जेगवार 11 ने। रूल्स और रेगुलेशन की अगर बात की जाए तो 40 मिनट में आपको 8 ओवर समाप्त करने हैं, वरना पेनल्टी के तौर के ऊपर जो 30 यार्ड सर्कल के बाहर जो 5 खिलाड़ी रहते हैं उनमें से एक खिलाड़ी को 30 यार्ड सर्कल के अंदर लिया जाएगा, ये हमारे अंपायर सर की ओर से भी बताया गया है। दूर वाले छोर से श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी भाईलू ने संभाल रखी है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अभय और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सुनील। पारी का यह चौथा ओवर सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है लालू, गेंद को फील करे और थ्रो दिया जाए तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आने वाले मुकाबले के लिए टॉस जीता है यहां पर ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 के कप्तान धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। एनजी बॉयज को पहले बल्लेबाजी करनी होगी। पटकी हुई गेंद जरूर थी इस बार ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर, वाइट का इशारा अंपायर सर की ओर से, अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 44-44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आठ गेंदों के ऊपर 14 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए सुनील लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर।
बहुत ही बेहतरीन इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है, लेकिन गेंद जाएगी वन बाउंस के बाद सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा, एसके लायंस का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 48 और नोबल का इशारा अंपायर सर की ओर से, अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। नो बॉल करार दिया गया था, तो अब गेंदबाजी के ऊपर लालू ने इस पीछे गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। बल्लेबाज के लिए फ्री हिट है यहां पर सुनील के लिए, हाथ खोलने का मौका है। सामने की तरफ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है, गेंद को फील करे तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एसके लायंस एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, चेयर ऑफ द 50, 50 रन पूरे किए। वापस दूर वाले छोर से श्री कृष्णा पेट्रोलियम मेट की ओर से लालू, पटकी हुई गेंद थी, इस बार पंच स्ट्रोक खेला है, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी बल्लेबाज अभय की ओर से बीच मैदान के ऊपर, 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर आगे बढ़ता हुआ, चार गेंदों के ऊपर 12 रन, एक बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही है बल्लेबाज अभय और सुनील की ओर से बीच मैदान के ऊपर। तीर से बल्ले से सीधा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है, वन बाउंस के बाद भाईलो की ऑल से गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आने वाला मुकाबला जो खेला जाएगा ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 और एनजी बॉयज के बीच में। टॉस जीता है ठाकर रॉक्स ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है कप्तान धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने। ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर इस बार जाने दिया, वाइट का इशारा अंपायर सर की ओर से, अतिरिक्त में बढ़ोतरी, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 56 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार बल्ला चलाया लॉन्ग गॉन के ऊपर, फील्डर तैनात है लेकिन बनेंगे मात्र दर्शक, गेंद चली गई द ऑलमोस्ट आउट ऑफ पार्क, सुनील के बल्ले से लगने वाला है सिक्सर, 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। वापस लालू अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, इस बार लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर हिनल करा सिया है लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर लगाए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, 68 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। आने वाली 4 ओवर बची हुई है यानी कि 24 गेंदों के ऊपर 74 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। बल्लेबाज अगर हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो हनुमत मार के सरपंच श्री की ओर से 501 रुपया। विजय भाई हनुमत मार के सरपंच श्री की ओर से हैट्रिक सिक्सर के ऊपर 501 रुपया। अब गेंदबाजी के ऊपर फॉर्म अप कर रहे हिनल गरासिया, जैसे गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच अब हिनल गरासिया ने संभाल रखी है, खुद फ्रेंचाइजी ओनर है अपनी टीम के जगुआर 11 जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है अक्षय चौधरी और हिनल गरासिया, एसके लायंस जिसके फ्रेंचाइजी ओनर शाबाज कादरी सफवान। सेवेंटी फोर रन चाहिए आने वाली 24 गेंदों के ऊपर। बल्लेबाज के लिए फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फिल्डर को तैनात किया गया है डीप मिड विकेट स्क्वेयर लेग, फहीम सोनी फील्डिंग करे, वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर,
भावेश यादव फील्डिंग करे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। लालू पटेल एक्स्ट्रा कवर 38 सर्कल के अंदर बल्लेबाज के लिए, पॉइंट 38 सर्कल के अंदर। शॉट थर्डमैन के ऊपर आशीष पटेल और टीको पॉइंट के ऊपर, एक्स्ट्रा कवर लालो। फिलहाल हिनाल गरासिया पटकी हुई गेंद, इस बार अपरकट स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, फील्डर तैनात है। चंद्रेश थोराट की ओर से अच्छी फील्डिंग, सीमा रेखा के काफी करीब से गेंद को फील्ड किया, नौ बॉल का इशारा अंपायर्स की ओर से। अतिरिक्त दो रन लिए है, अतिरिक्त एक मिलेगा, यानी कि तीन रन काउंट किए जाएंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट है बल्लेबाज के लिए। एक अच्छा ऑपरेटिंग हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में प्रशांत धुले, प्रशांत पवार और दीपेश धुले कैमरामैन हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए यूट्यूब के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। फहीम सोनी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, बहना नेट की ओर से, फ्री हिट है बल्लेबाज के लिए। डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे इस बार स्ट्रोक को खेला है, फील्डर तैनात है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, जा पहुंचा है 72, 72 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सुनील, काफी ज्यादा बाहर गेंद, इस बार वाइट का इशारा। मैन अंपायर्स के ऊपर जय पवार सर की ओर से, अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73 रन। खिरोस के ऊपर भी बदलाव हो चुका है, कमलेश नायक जुड़ चुके हैं साथ ही स्कोरर। क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, इस बार स्लॉक्सिप करना चाहते थे बल्लेबाज, गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर कल्पेश केके की ओर से बीच मैदान के ऊपर। जीतने के लिए अभी भी 22 गेंदों के ऊपर 69 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। डाउन द ग्राउंड इस बार जमीन के सारे फील्डर तैनात है, वहां पर खुद आए लालू डीप मिड विकेट से आकर गेंद को फील करे मिड ऑन के क्षेत्र में, तब तक एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा। दोनों बल्लेबाज को एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 74 रन। गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच फहीम सोनी ने संभाल रखी है बहनान एंड की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अभय सामना करने के लिए तैयार। इस बार सामने की तरफ बल्ला चलाया, फील्डर तैनात है इनल गलासिया, लेकिन स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। छह के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। चौदह गेंदों के ऊपर 32 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए सुनील मांगरोड़े और 8 गेंदों के ऊपर 22 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए अभय। एक साझेदारी यहां पर दोनों बल्लेबाज के बीच एसके लायंस की ओर से देखने को मिल रही है बीच मैदान के ऊपर। आउट ऑफ पार्क चली गई थी गेंद, उसके बाद वापस आ चुकी है पिच मैदान के ऊपर। उमसा 11 जिसके फ्रेंचाइजी ओनर मनीष भाई पडियार, बल्ला चलाया, इस बार फील्डर तैनात है। यस, गेंद ने फील्डर को ढूंढ लिया डीप मिड विकेट के ऊपर। अच्छा कैच भावेश यादव की ओर से, पवेलियन का रास्ता दिखाया यहां पर फहीम सोनी ने। अब भाई कैच आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए बल्लेबाज। एसके लायंस को लगने वाला तीसरा झटका।
नए बल्लेबाज के रूप में। इस बीच अकरम ने प्रस्थान किया है विकेट के ऊपर, विकेट का सिलसिला चल रहा है बीच मैदान के ऊपर एसके लायंस की ओर से। अभी ने अच्छी बल्लेबाजी की, अभी अभी आउट होकर पवेलियन की ओर गए उनका स्थान लेने के लिए अकरम नए बल्लेबाज के रूप में। जिमखाना क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित ये टूर्नामेंट धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग सीजन पांचवा संस्करण। फिलहाल नए बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर अक्रम और रफाइम सोनी बहाना नेट की ओर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। राइट हम और द विकेट गेंदबाजी करेंगे। कट शो खेला इस बार, एक बार पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद जा रही है, आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज। यहां पर 38 सर्कल के बाहर गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर, 38 सर्कल के अंदर ही रोकना पड़ेगा। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ एसके लायंस का जा पहुंचा है 84 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आने वाली 18 गेंदों के ऊपर चाहिए 58 रन चाहिए आने वाली 18 गेंदों के ऊपर। दोनों ही टीमों के लिए ये समीकरण है, आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 58 रन। उल्टी गिनती शुरू हो चुके हैं यहां पर अब एसके लायंस के लिए। मुकाबले को जीतने के लिए आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 58 रन चाहिए, सिंगल डबल से काम नहीं होगा, हवाई रास्ता इख्तियार पड़ेगा मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाजी के ऊपर गोकुल दूर वाले छोर से, श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी गोकुल ने संभाल रखी है अपने कोटे का यह पहला ओवर और टीम की ओर से छठा ओवर लेकर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को गेंद करेंगे, गेंदबाज के सर के ऊपर से इस बार फील्डर तैनात है, यस आउट, विकेट का पतन होता हुआ पहली गेंद के ऊपर सफलता निकाल कर दी है गोकुल ने। सुनील कैच आउट होकर पवेलियन की ओर, विकेट का सिलसिला चलता हुआ बीच मैदान के ऊपर एसके लायंस के लिए। नए बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक के ऊपर दीपेंद्र राठौड़ ने प्रस्थान किया है एसके लायंस की ओर से। 17 गेंदों के ऊपर 58 रन चाहिए, दूर वाले छोर से गोकुल बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार, फील्डर तैनात एक्स्ट्रा कवर के ऊपर हिनल करासिया। रन आउट करना चाहते थे आधे विकेट से, वापस सुरक्षित अपने घर में जा पहुंचे अक्रम, अच्छी फील्डिंग 38 सर्कल के अंदर हिनल करासिया की ओर से, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद स्कोर अभी भी रुका हुआ 84 रन चार विकेट के नुकसान के ऊपर। दीपेन अगर सिक्सर लगाएंगे तो एक सिक्सर के ऊपर 1000 रुपया और मुकाबले को जिताएंगे तो धर्मेंद्र सिंह राठौड़ उनके भाई की ओर से 11000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। बल्लेबाज के लिए यह इनाम है। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक इस बार डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे लेकिन गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 88 रन, सिक्सर के ऊपर इनाम है यहां पर, चौके के ऊपर नहीं, हर एक सिक्सर के ऊपर 1000 रुपया धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की ओर से और अगर मुकाबले को जिताएंगे तो 11000 रुपया धर्म राठौड़ की ओर से दीपेंद्र राठौड़ के लिए। स्लॉक्सिप करना चाहते थे इस बार, अच्छी गेंद थी वहां पर विकेट कीपर के ऊपर जा पहुंची
अच्छी विकेट कीपिंग कल्पेश केके की ओर से, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 88 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फुल टॉस गेंद जरूर थी इस बार, को समझ नहीं पाए बल्लेबाज, गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, सटीक लेंथ और लाइन के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए बीच मैदान के ऊपर गेंदबाज गोकुड़। पटकी हुई गेंद जरूर थी इस बार, बल्ले का अंदरून हिस्सा लिया था शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर, फील्डर तैनात थे आशीष गेंद को फील करे तब तक, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, ओवर की समाप्ति, नफीदुल ओवर समाप्त हुआ यहां पर, सफल ओवर समाप्त हुआ, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 88 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर, आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 54 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। यह ओवर काफी निर्णायक रहेगा दोनों ही टीमों के लिए। आखिरी बची हुई 12 गेंदों के ऊपर 54 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच लालू ने संभाल रखी है बहना नेट की ओर से, अपने कोटे का ये दूसरा ओवर और टीम की ओर से सातवां ओवर लेकर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अक्रम, सामने की तरफ इस बार बल्ला चलाया, फील्डर कोई नहीं है, गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा की ओर, वन बाउंस के बाद 4 रन। लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात था फहीम सोनी, डीप कवर खुला छोड़कर रखा था, उसका फायदा उठाया बल्लेबाज अकरम ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी 4 के साथ 92 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। चंद्रेश थोराट को भेजा जा रहा है कप्तान हिनल गरासिया की ओर से डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। जगह बनाकर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास जरूर किया गया था शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर, फील्डर तैनात थे, अच्छी फील्डिंग, वहां पर गेंद को फील किया जाए तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 93 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आज का पहला दिन धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग और मुकाबला चलता हुआ एस के लायंस और जेगवार 11 के बीच में। बल्ला चलाया जरूर था गुड लैंड स्पॉट के ऊपर, टप्पा खाने के बाद गेंद ने पहले से फैसला कर लिया था विकेट कीपर के दस्तान में जाने का और जहां पहुंची, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद, स्कोर अभी भी रुका हुआ 93 रन। सामने की तरफ फील्डर तैनात है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर फहीम सोनी, जब तक गेंद को फील करे थ्रो दिया जाए वापस गेंदबाज की ओर तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। 94 रन 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अकरम, आगे निकल कर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, वहां पर गेंद चली गई सीधे गली के ऊपर, फील्डर तैनात गेंद को फील करे तब तक, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छे बल्लेबाज है अकरम की अगर बात की जाए तो, आक्रामक बल्लेबाज और आक्रामक तेवर अपनाने होंगे यहां पर मुकाबले को जीतने के लिए। फिलहाल लालू बहना एंड की ओर से बल्ला चलाया इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से, योजन हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क, अकरम के बल्ले से लगने वाला पहला सिक्सर। सात ओवर की समाप्ति के बाद 100 रन 42 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। आखिरी 6 गेंद बची हुई है, आने वाला जो मुकाबला है एनजी बॉयज और ठाकर रॉक्स प्रतीक 11, दोनों को तैयार रहना है। फील्डिंग का फैसला किया है कप्तान धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने, ठाकर रॉक्स को मुकाबला समाप्त होने के बाद तुरंत फील्डिंग सजानी है। बल्ला चलाया जरूर इस बार, फील्डर तैनात है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, अच्छा कैच वहां पर भावेश यादव की ओर से, विकेट का सिलसिला चलता हुआ बीच मैदान के ऊपर। केवल औपचारिकताएं जारी, काफी ज्यादा रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए एसके लायंस। फिलहाल लगने वाला ये पांचवा झटका, 5 गेंदों के ऊपर 42 रन चाहिए। आखिरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर सफलता दिलवाई गेंदबाज गोकुड़ ने।
77 की हेविया गेंद जो होती हैवी गेंद उसका इस्तेमाल किया जा रहा है इस टूर्नामेंट के लिए। बल्लेबाज से गुजारिश है जल्द से जल्द आएंगे विकेट के ऊपर साहिल नए बल्लेबाज के रूप में। पटकी हुई गेंद थी इस बार उछाल प्राप्त करती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं डॉट गेंद चार गेंदों के ऊपर 42 42 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। फील्डर तैनात थे वहां पर शॉर्ट मिड ऑन के ऊपर लालू लेकिन गेंद चली गई डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। गेंद को फील किया जाए लॉन्ग बैरियर पोजिशन के ऊपर भावेश यादव की ओर से और थ्रो दिया जाए तब तक एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। केवल औपचारिकता ही चल रही है बीच मैदान के ऊपर। हवा में गेंद नीचे कैचिंग पोजीशन के ऊपर चंद्रस थोराट अच्छा कैच स्टाइलिश खिलाड़ी। विकेट का पतन होता हुआ बीच मैदान के ऊपर। अक्रम कैच आउट होकर पवेलियन के और उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज। इशाक पठान को शामिल किया जा रहा है एस्केलेंस के कप्तान की ओर से। डॉट गेंद कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं बल्ला जरूर चलाया था वहां पर बल्लेबाज ने 101 101 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज के लिए अच्छी गेंद थी और मुकाबले को जीता जेगवार 11 ने। अब एनजी बॉयज और ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। टॉस जीता है ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 के कप्तान धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है।